फिर आपका स्कूल चलता है और उसके बाद आप रोते कलपते हुए डीएवी जालंधर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपके क्लासमेट जगजीत सिंह थे, सुदर्शन फाकिर, मोहन राकेश वगैरह थे। पर जालंधर पहुंचने से पहले दिल्ली का वो वाकया भी, जब आप लोग सिनेमा देखने आते थे और जो ब्लैक में टिकट लेके आते थे आपके दोस्त ऊपर से चढ़ के नीचे उतर के, क्या सिनेमा वो पहली चीज थी जिसने आपके भीतर क्रेज पैदा किया? भाई उस वक्त का दौर ऐसा था कि आजकल का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो थे नहीं, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, केबल नहीं था, ये मोबाइल नहीं, एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, या रेडियो सुन लो या सिनेमा देख के आओ। तो सिनेमा पे बड़ा जोर होता था लोगों का, जो फिल्म आती है सब ने देखनी है। आपको एक जैसे आजकल होता है ना कि 50 करोड़ की फिल्म, 100 करोड़ की फिल्म लगी है, पहले शो में पिट गई, बेड़ा गर्क हो गया, डिजास्टर होती है ना ऐसी फिल्में। 50-60 में पिटती कोई भी फिल्म नहीं थी, अच्छी है बुरी है इंडिफरेंट है सबने देखनी है, अच्छी लगेगी तो दोबारा चले जाएंगे और अच्छी लगेगी तो 3 बार देखेंगे, 1 बार तो देखनी ही देखनी है, लेकिन क्या करें, 5-10 रुपया टिकट होता था सारी दिल्ली में, और रिवोली प्लाजा रीगल और ओडियन इन 4 सिनेमाओं का रेट ज़्यादा था, वो 10-15 वो 2-2.5 रुपये ₹2.5 था, क्योंकि वो इंग्लिश की फिल्में दिखाते थे, सिर्फ रीगल हिंदी की फिल्म दिखाता था, बाकी रिवोली ओडियन प्लाजा सिर्फ मारनी शो में हिंदी फिल्म लगती थी, इंग्लिश की फिल्म दिखाते थे। और उस वक्त कनाट प्लेस का इतना रोब था, छोटा मोटा आदमी दीवार पर पान थूकने वाला, जो नाड़ा लटका पजामा पहन रहा और टूटी चप्पल फटकारता चला जा रहा, वो उन 4 सिनेमाओं में नहीं घुसता, उसको कोई पाबंदी नहीं थी, यदि कि कोई टोक देगा वो खुद ही नहीं घुसता था, वो इतनी कराट प्लेस की दौड़ थी, टागा रेड़ा इस किस्म का सब मिंटो रोड से आगे जाना मना था, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत डिसिप्लिन था। और ये जो सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क है, ये बाग था। अच्छा, अब तो इसमें पता नहीं क्या कुछ बन गया, बहुत बढ़िया बाग था, ऊंचे ऊंचे पेड़, बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, बढ़िया पेड़, और ना इतना कभी ट्रैफिक था, पार्किंग फ्री, पार्किंग तो मेरा ख्याल है 1990 तक कनॉट प्लेस में फ्री थी। ये तो सब लालच के नतीजे है, मिली भगत है सरकार की और ठेकेदारों की, ठग लो लूट लो। ये तो पार्किंग तो सारी नई दिल्ली, सारी नई दिल्ली में फ्री थी, खासतौर से कनॉट प्लेस में। अच्छा एक बात बताइए पाठक, क्या सारे महान लोगों के अपने पिता से बहुत ही द्वंद्वात्मक और थोड़े से खिंचाव वाले रिश्ते होते हैं? नहीं वो बात नहीं है, देखो इसके बाद में मेरे को थोड़ी सी एक खराब बात करनी पड़ेगी, थोड़े पंजाबी में ये स्यापा ज्यादा है कि वो पंजाब में जरा मर्द को अपनी हैसियत कुछ जुदा ही दिखाई देती है, मर्द हो आई एम एन अर्निंग मैन आल्सो, तो मैं तो भी आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गार्डन वेराइटी ऑफ पर्सन, समथिंग स्पेशल इन मी, इसी बात का अहंकार में वो कई ऐसी हरकतें करता था। और नौ नौ बच्चे होते थे, बाप सब क्या ये नहीं बता सकता था कौन सा किस क्लास में पढ़, तो उनके इस किस्म का जैसे आज फैमिली में एकजुटता होती है, बच्चे के कैरियर का ध्यान रखा जाता है या फेल ना हो जाए, इसकी फलाने सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाओ, ये करो वो करो, हाइजीन सिखाओ, सवेरे उठ के डंडे से सर्दियों में भी नहला रहे, तो नथिंग डूइंग, पता ही नहीं लगता था कैसे पल जाते थे, पता ही नहीं लगता। मैन ऑफ द हाउस हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग्स, नथिंग टू विद द हाउस, विद द हाउस, तो हाउस इज ए लॉजिंग फॉर द नाइट फॉर इट, उसका किसी बात में कोई दखल नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जब तक मेरे फादर जिंदा रहे मैंने उनको घर का कोई काम करते ना, उन्होंने कभी ऑफर किया कोई, बीवी कर लेगी 6 दिन दफ्तर 1 दिन रमी, हाँ और बाकी टाइम पे रमी खेलते, रमी फड़ लगाते थे 8-9 घंटे की, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक मिसाल है, देखो 2 महीने के लिए जबरदस्ती हम सबको वो मायके या बीवी को ससुराल बच्चों समेत भेजते थे, क्यों भेजते थे आज तक मेरी समझ में नहीं आया। और जब मेरी माँ लौट के आती थी जो पहला नज़ारा मुझे घर में दिखाई देता था कि वो ये होता था कि रसोई में जितने बर्तन हैं
पहले गिलास फिर कटोरिया फिर और कोई डीप बर्तन सब में शेव हुई होती थी और वो झाग और बाल सूखे हुए सारे में वो दिखाई दे रहे। एक बर्तन में दो महीने शेव नहीं हो सकती, यही तो बादशाही है, बादशाही है यही है। सब करते हैं ऐसे, सब करते हैं जैसे कि ऐसे ही थोड़ी क्या है आदमी मैन इज किंग ऑफ हिज हाउस, वो तो लिटरली सोचते नहीं किंग है हम, ठीक है ऊपर से जरा कोई पढ़ लिख जाए तो बात ही क्या है, मैट्रिक उधर ऐसी थी जैसे PhD कर लियो। मेरे मामा ने जब आठवीं जमात पास की मेरी नानी ने सारे खेम करज में लड्डू बांटे कि लड़का पटवारी तो अब लग ही जाएगा। मिडल क्वालिफिकेशन होती थी पटवारी के उन दिनों, मिडल क्लास, अब और 12 रुपए तनख्वाह होती और उसमें भी हैसियत थी उसकी 12 रुपए तनख्वाह में। अजीब टाइम था। अभी लेकिन यहाँ से सुन के लगता है कि हाँ अजीब भी था और अद्भुत भी था, लेकिन इतने सारे बखेड़ों के बावजूद भी लोग को गरीबी को कर्ज नहीं मानते थे जैसे आजकल मानते हैं ना, उसको काफी कंटेंटमेंट बहुत थी, जो जिस हाल में राजी था उसमें ये एटीट्यूड नहीं थी कि दूसरे का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल करके रहना है हमने, नथिंग डूइंग, अपने अपने दायरे में रहते थे, दूसरा है ठीक है होगा हम जैसे हैं, हमें क्या लेना देना है किसी को, उससे भाईचारा इस किस्म की बातें बहुत थी, एक दूसरे की मदद का माहौल इस किस्म के सिलसिले बड़े अच्छे थे। आजकल पड़ोसी को नहीं जानता, जानना नहीं चाहता, फैशनेबल हो गया, हमें नहीं पता कि कौन रहता है वहाँ, हम नहीं जानते, फैशनेबल हो गया। फिर आप दिल्ली से पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन के लिए जलंधर के DAV कॉलेज पहुंचते हैं, उसमें मजबूरी मेरी नलायकी मेरे थे, मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बहुत एवरेज से भी नीचे ही था, नलायकी मानिए तो बड़ी मुश्किल से सेकेंड क्लास में पास, जबकि एक साल रिपीट करवाएगा, रिपीट जबरदस्ती डंडे से कराया, मैंने बहुत काम है कि जी पानी पहले से उबल रहा हो तो नीचे से वो भट्टी बंद ना करो तो उसने डबल नहीं उबल जाना, मेरी पूरी तैयारी है मुझे, मैं नहीं तू और पढ़, और पढ़ कैसे होता है, को कपड़ा पहले उजला हो गया है उसको ठोकते रहो तो और उजला थोड़ी हो जाएगा, वही बात हुई उतने ही नंबर आए जितने में पहली बार ही बैठता। अब वो पिता को मेरी एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं था, उनको इस बात से लेना देना था मेरा एक ही लड़का है जल्दी से जल्दी अर्निंग हैंड बने और मेरी इनकम को सप्लीमेंट करे, ये उनका मकसद था, इसलिए डंडे से जलंधर भेजा। बहुत बढ़िया कॉलेज था, सारे पंजाब का सबसे अच्छा कॉलेज था, प्रिंसिपल टॉपरों को खोज के लाते थे पढ़वाने के लिए। हाँ, जब पंजाब यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की रिजल्ट आता था तो टॉप 10 के घर पहुंच जाते थे, सूरजवान प्रिंसिपल थे जी। बाद में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। हाँ जी। और वो उनकी बड़ी चर्चा थी, वो प्रताप सिंह कैरो की मिनिस्ट्री में उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो गई थी। ये अशोक विहार भी एक स्कूल है, कुराची अंसरा स्कूल, आपने नाम सुना होगा जी। जो वहाँ पढ़ते हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं किसी को मालूम नहीं है कुलाची का क्या मतलब है, कभी सर्वे करके देख ले। आपने किताब में भी इसका जिक्र किया, कुलाची सूरज बाब जी के विलेज का नाम, गांव का नाम, विलेज का नाम था, किसी को नहीं पता। सूरज बाब खुद भाषण में कहा करते थे स्टूडेंट्स के किसी में कि लोगों की चार चार पुश्तें DAV में पढ़ के चली गई, इन्हें पता ही नहीं है DAV से क्या बनता है। तो DAV में बड़े कमाल कमाल के लोग थे, एक ऐसी कमाल वजह से ना, इसी वजह पर प्रिंसिपल का पर्सनल इंटरेस्ट था, कोई खेलता अच्छा है हमारे कॉलेज में दाखिल कराओ, हर फैसिलिटी देंगे, फीस माफ, हॉस्टल फ्री, फ्रूट शॉप से फ्रूट खाए जो मर्जी करे, ऐसा जैसे जैसे परफॉर्मेंस उसकी बिगड़ती थी उसकी फैसिलिटी विड्रा होती जाती। अच्छा, ये भी तो साथ में है ना, ट्रॉफी जीत के लाओ कॉलेज के, भी साथ, जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सब टेक्स्ट बुक्स के राइटर्स थे। अच्छा, अरे एक बंसी लाल थे, उनकी सारी साउथ एशिया में जो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेटोमेट्री चलती थी, तो बड़े विद्वान बुजुर्ग थे, जब मोर राकेश पढ़ाते थे। अच्छा, रविंद्र कालिया, सुदर्शन फकीर, तो बड़े बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उस वक्त। एक आपके क्लासमेट थे जो बाद में बड़े मकबूल हुए, जगजीत सिंह। हाँ,
मकबूल तो हुआ सो हुआ, उस वक्त तो मामूली बंदा था उस वक्त तो लोगों को बाहर पकड़ पकड़ के बुलाता था, गाना सुन, वो कहता नहीं नहीं यार मैंने पढ़ना, मैंने सुनना हाँ उस वक्त तो ये माहौल था, जबरदस्ती सुनाता था। इंटरवल होते, रिसेस होती थी तो प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से पब्लिक के सिस्टम पे 5 मिनट पब्लिक स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे, दिस इज योर प्रिंसिपल स्पीकिंग, कोई घोषणा हो कोई सूचना हो, वो कह के अपने खाना खाने चले जाते थे। उनकी आवाज जो था कॉलेज की प्रीमिसेस में ही था, तो बाकी 25 मिनट जो है वो प्रिंसिपल का ऑफिस जगजीत सिंह के कब्जे में हारमोनियम मेज पे उनकी कुर्सी में बैठ के गाना सुनाता था। उसे क्या पता कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो तो बंद कमरे में से हो रहा है सारा सिलसिला। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये टैलेंट तो तब भी मील से दिखाई देता था बंदे में। हाँ, इतना तो नहीं सोचा था कि जितनी उसने तरक्की पा ली। इससे बड़ा सिंगर था एक पुरुषोत्तम जोशी नाम था, ये उससे कॉम्प्लेक्स फील करता जो क्लासिकल गाता था। हाँ, जहाँ क्लासिकल गाता था जहाँ वो जाए ये जाता नहीं था। कहता मैंने सेकंड नहीं आना, ये अंडरस्टूड है अगर ये कंटेस्टेंट है तो मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। उसके कॉम्प्लेक्स की वजह से इसने लाइट गाना शुरू किया, नहीं तो ये क्लासिकल सिंगर था ये भी। तो फिर लाइट में इसकी जरा धारा बदल गई तो फिर ये भी चमक गया, ये भी चमक गया। बात के दिनों में मिले भी? कभी मुलाकात नहीं हुई, इत्तेफाक नहीं हुआ। फिर वापस आ गए आप, डीएवी से पढ़ के वापस आ गए दिल्ली और गाजियाबाद जाने लगे ट्रेन पे सवार होके। जैसे डीएवी मजबूरी में गया था वैसे ही गाजियाबाद की एक जुदा मजबूरी थी। डीएवी वाली मजबूरी मेरे फादर ने थोपी थी मेरे पे, गाजियाबाद वाली मैंने खुद अपने आप पे थोपी थी। आवारा गर्दी का माहौल था, लोग पूछते थे भाई तो वो समझते थे जैसे मैं कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, जलंधर से नहीं पढ़ के आया। ओए तू तो वहाँ से ग्रेजुएशन करके आया, क्या करता है आप? कुछ नहीं करता। तो मतलब ये तोहमत हटाने के लिए ऊपर से कि भी मैं आवारा गर्द हूँ, बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही, कुछ नहीं करता, मैंने एमए में दाखिला ले लिया सिर्फ इसलिए कि आप कोई पूछेगा क्या करता है, एमए कर रहा हूँ। और संयोग ऐसा हुआ कि मेरे साथ के जो कलीग्स थे जो एमए में दाखिला थे उन्होंने मेरे को कहा तू इकोनॉमिक्स में दाखिला ले ले, वहाँ का जो वाइस प्रिंसिपल है वो 15 सवाल बताता है, उसी में से 5 आ जाते हैं, पास होना बड़ा आसान है। मैं कहता चल ठीक है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम, नहीं तो मेरा इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना था, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ता था तो मुझे दाखिला मिला नहीं इकोनॉमिक्स में, क्या जगह नहीं है। तो फिर मेरे सलाहकार ने कहा कि तू मैथ में ले ले, तेरा बीएससी भी मैथ सब्जेक्ट था, ये बाद में हो जाती है ट्रांसफ़र, कई लोग छोड़ जाते हैं कुछ हो जाती है, तो मैंने मैथ में ले लिया, ट्रांसफ़र हुई नहीं। अब प्रीवियस में मैं पास कैसे हो गया उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस वहाँ तक था जहाँ तक इनका प्रीवियस का सिलेबस था, तो वो सारा कुछ मैंने पहले का पढ़ा हुआ था। मैं तो कंफर्टेबली पास हो गया, तो फाइनल में थोड़ा सा जरा जोर लगा लिया, लेकिन उस शिक्षा का कोई मिशन नहीं था, कोई ये कोई गोल नहीं था कि आंखों के आगे कि मैं एमए कर लूंगा तो मेरी यूं गत सुधर जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, नथिंग। फिर सरकारी नौकरी कैसे मिली आपको? सरकारी नौकरी में ट्रेजेडी से मिली, अखबार के बाप का डंडा था, अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ा कर, जहाँ तेरी क्वालिफिकेशन में मैचिंग वो दिखाई दे, अर्जी डाला कर। उन दिनों डाक विभाग इतना खराब नहीं था, चिट्ठी लिखा तो पहुँच जाती थी, आजकल नहीं पहुँचती। तो वो यहाँ दिया, इंटरव्यू भी दिया, तो चिट्ठी आ गई मेरे को, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। मैं कह चलो भी नहीं सिलेक्टेड, तो एक महीने बाद फिर चिट्ठी आ गई, आके ज्वाइन कर लो, उसके लिए आपको अप्लाईमेंट लेटर यही मिल जाएगा। तो मैं गया जाके, मैं कह भी मेरे को तो रिजेक्ट किया तुमने, ये कैसे हो गया? तो पता लगा जिस बंदे को सिलेक्ट किया था उसने ज्वाइन नहीं किया, तो बाकी ये लंबी प्रोसेस, फिर एडवर्टाइजमेंट दो, फिर इंटरव्यूज लो। इन बखेड़ों से बचने के लिए उन्होंने कहा यार जो भी नेक्स्ट था उसको बुला लो और छुट्टी करो। ऐसे तो मुझे नौकरी मिली। 11 बजे मैं वहाँ गया, 2 बजे उन्होंने मेरे को परवाना पकड़ा दिया कि बैंगलोर चले जाओ, मेरा दम निकल गया।
मैं कह एक फांसी से कैद से अभी हानि हुआ और उससे बड़ी दूसरी तैयार है। ए, पंजाब से कम वाकफ तो था, कर्नाटक से तो वाकफ भी नहीं हो। बाप का डंडा मजबूत नहीं होता, तो मैं बिल्कुल उसी वक्त नौकरी छोड़ के आया था। मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं जाता बैंगलोर। वैसे ही रोता कलपता मैं बैंगलोर गया। 180 दिन ईश्वर जाने कैसे वहाँ गुजारे, कैसे वहाँ गुजारे। जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है जी, किसी को नहीं बख्शती, किसी को नहीं बख्शती। लक्की लोग जो कि बिल्कुल जिनका कैरियर अपने आप ही बनता चला जाए, बहुत दुर्लभ थोड़े होते हैं, थोड़े होते, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल। लेकिन कहते हैं परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना ही आदम के बच्चे का काम है। जो परिस्थितियों के अनुकूल बनता है वो जानवर होता है, पशु की प्रवृत्ति होती है परिस्थितियों का अनुकूल बनना, कि जहाँ कूटे से बांध दिया बंध गए। आदमी का कोई ये सेवा नहीं देता, उसको तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है, जैसे भी करे कुछ करे, नहीं तो फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। तो पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है लिखना। हाँ, और लिखने की शुरुआत हुई पढ़ने से, पढ़ने से, और बड़े दिलचस्प ढंग से हुई। आपके दोस्त ने कहा ये किताब लौटा दो, क्या है वो वाकया? हाँ, मुझे कहा किताब उसकी, उनकी लाल किले में दुकान थे, उसके फादर की दोस्त थी भी, एक घंटे का भी गैप है तेरे को बीच में, घर से रोटी खा सीधा लाल किले पहुँच दुकान पे। उस दिन किसी वजह से वो लेट हो गया, तो घर रोटी नहीं खाई उसने, खाना खाने घर नहीं गया, वहीं से लाल किले चला गया और किताब मेरे को दे गया कि ये वहाँ वापस कर दिया। साथ में उसने वो दुअन्नी लगती थी एक अन्नी, वो भी उसने दे दी मेरे को। मेरे को थोड़ी सी उत्सुकता आई, मैं घर नहीं गया, पहले किताब पढ़ी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। माँ ने डांटा भी क्यों नहीं आया, देर क्यों हो गई, सारे बच्चे आ गए, मैंने मास्टर ने रोक लिया था। अच्छा, वो मुझे किताब इतनी पसंद आई, उसके बाद मैंने उसको स्पेशल कहा यार तू किताब मेरे को ही दिया कर लौटाने के लिए। तो उसके बाद फिर चस्का लग गया पढ़ने का, छुप छप के पढ़े। बाप ने फाड़ दी किताब, एक बार दो थप्पड़ भी लगा दिए, लेकिन फिर भी चलता रहा। कैसे 24 घंटे की विजिलेंस तो पिता कर नहीं सकता था, और मेरे टाइप का पिता तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, जिसको घर से कुछ लेना भी नहीं। तो उसके बाद फिर एक तरह से ओवरफ्लो से राइटर बना। उस वक्त मैं पढ़ने का इतना दीवाना था जनाब, कि मेरे को मूँगफली मिले ना लिफाफे में, तो मूँगफली ख़त्म हो जाने के बाद मैं लिफाफे को पढ़ के फेंकता था। तो फिर पढ़ने से लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ओवरफ्लो से लगता था यार ये कोई इतनी बड़ी, कंबोज भी लिखता है, ये भी लिखता है, इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा वाक्या थोड़ी है ये, कंबोज है, मेरे साथ बेंच पे बैठता था। जब इसने नावल लिख लिया, जब भी गया तो ऐसा कौन सा कर्तव्य कर लिया इसने, मैं तो इससे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। फ़र्क मेरी कोशिश में और उसकी कोशिश में ये था कि उसको इंस्टेंट कामयाबी मिली, मेरे को उस लेवल की कामयाबी हासिल करने में 15 साल लगे। पर आपकी कामयाबी ज़्यादा दिनों तक टिकी है, अभी भी कायम है, क्योंकि मैं ढीठ ज़्यादा था ना। नहीं, सही बात है, ही वॉज ए वेल टू डू पर्सन, ही वॉज, ही हैड ए रिच फादर, अच्छे बिजनेस का, सब किस्म की घर की सुख सुविधाएं बेमिसाल थी। हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं था, हमारे तो दिमाग में ये था यार सड़ी सी नौकरी करते हैं 200 रुपये तनख्वाह की, कोई चार पैसे कमाने का जरिया आ जाए, कोई इनकम को सप्लीमेंट करने का, तो कुछ अच्छा ही है। इस लालच में, इस हिसाब में, इस सिलसिले में मेहनत की, निगाह तो हासिल पर थी ना, निगाह इस बात पर थोड़ी कि मैं राइटर बन जाऊँगा, लोग तारीफ करेंगे, मेरा नाम हो जाएगा, ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा था। ये तो पता नहीं कब एक सवेरा हुआ और मेरे को पता लगा यार लोग तो जानने लग गए मेरे को। मैं तो कैसे पता चला, मैं पता नहीं कैसे पता चला मेरे, जब शुरू में इस किस्म का फीडबैक आया, मैं तो मेरे बारे में नहीं होगा, किसी और के बारे में होगा, मेरी कहाँ औकात है ऐसी। तो फिर लेकिन काफी होता ही है, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही है ना। आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं और आपको इस बुजुर्ग की इतने समृद्ध जीवन को जीने वाला, इतने किरदारों को गढ़ने वाला ये बुजुर्ग, जो आज भी वात्सल्य से भी भरा हुआ है और विनम्रता से भी, उनकी बतकही, उनका कहन, उनकी सीख पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो अगर आपने अब तक ललन टॉप के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो इस काम को
फटाफट अंजाम दीजिए। जो साथी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को दी ललन टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस तरह की वीडियोस अपलोड हो जिसमें हम ललन टॉप चिकोलाइट भैरंट शख्सियतों से मिलते हैं आपको फौरन से इत्तला हो जाए। शुक्रिया।